दीपक तले अंधेरा। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दोनों महल के झरोखे में बैठे उगते हुए सूरज को देख रहे थे। सुबह के सूरज की किरणें यमुना नदी के पानी पर पड़कर उसे सुनहरी रंग में रंग रही थी। अचानक चीखने चिल्लाने की तेज आवाजें सुनकर दोनों का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने देखा तो पाया कि कुछ लुटेरे राहगीरों को लूटकर भाग रहे हैं। असहाय राहगीर सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। बादशाह और बीरबल दोनों हैरान थे कि महल के ठीक सामने लुटेरे दिन दहाड़े ऐसा करने का साहस कैसे जुटा सके। बादशाह ने जब तक अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चोरों को पकड़े, तब तक चोर 9-2-11 हो चुके थे। सैनिक खाली हाथ वापस लौट आए। सैनिकों को खाली हाथ लौटा देखकर बादशाह को गुस्सा आ गया। उनके लिए इससे बड़े अपमान की बात और क्या हो सकती थी कि राहगीरों की सारी आमदनी लूटने वाले लुटेरे उनके सैनिकों को चकमा देकर भाग निकले थे। वह भी उनके बादशाह अकबर इस घटना से बेहद नाराज थे। वे बीरबल से बोले, ये सब हमारे प्रशासन की नाकामी की वजह से हुआ है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? एक आम आदमी राजमहल के सामने बादशाह की मौजूदगी में लुट जाता है और बादशाह कुछ नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? बीरबल बोला, हुजूर, दीपक अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है, मगर उसके तले यानी नीचे अंधेरा रहता है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह का मन खिल उठा। उन्होंने लूटे हुए राहगीरों के नुकसान की भरपाई कर दी और सुरक्षा के लिए सैनिकों को भी सावधान रहने का आदेश दिया।